क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियाई मनोरंजन उद्योग में नवीनतम चर्चा क्या है? ठीक है, आप एक दावत के लिए हैं। आज हम के-पॉप से लेकर के ड्रामा और इनके बीच की सभी नवीनतम खबरों पर गौर करेंगे। तो आराम से बैठें और हल्लियों की जीवंत दुनिया के माध्यम से इस तूफानी यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। कुछ सिनेमा समाचारों से शुरुआत करते हुए, एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश कोरियाई अभी भी सिनेमाघरों में नई फिल्में देखना पसंद करते हैं। यह देश में फलती फूलती फिल्म संस्कृति का प्रमाण है, जहां बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव अभी भी एक विशेष आकर्षण रखता है। संगीत परिदृश्य पर आगे बढ़ते हुए, के-पॉप समूह जीरो बेसोन ने अपने तीसरे ईपी यू हैड मी एट हेलो की रिलीज की घोषणा की है। टीजर पोस्टर एक ग्रीष्मकालीन थीम वाले एल्बम का संकेत देता है और समूह की पिछली बिक्री उपलब्धियों को देखते हुए प्रशंसक पहले से ही एक और हिट की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में कोरियाई लहर ने धूम मचा दी। के-पॉप समूह अतीस को उनके प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली। उनके जीवंत गायन, पारंपरिक कोरियाई सांस्कृतिक तत्वों के समावेश और ऊर्जावान नृत्य दिनचर्या के लिए सराहना मिली। दूसरी ओर ले सेराफिम ने भी अपनी छाप छोड़ी, एक अप्रकाशित गीत का प्रीमियर किया और कस्टम लुई वुइटन आउटफिट के साथ भीड़ को चौंका दिया। अन्य समाचारों में एनसीटी के तायोंग ने अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए नौसेना में प्रवेश करने से पहले एक बोल्ड बजकट के साथ प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी अपरंपरागत शैली को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। प्रशंसकों ने उनके निडर रवैये की सराहना की है। वापसी की राह पर गर्ल ग्रुप आईवी अपने आगामी दूसरे ईपी आईवी स्विच के लिए अपनी विंटेज प्रेरित अवधारणा के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है। गहरे और अधिक सुंदर माहौल की ओर बदलाव के साथ प्रशंसक उत्सुकता से ईपी की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। के ड्रामा की दुनिया में नाटक होमटाउन चा 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 पोहांग के दूरदराज के गांवों की सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है, जो दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर रहा है। इसके अलावा किम गो यून की फिल्म एघोमा ने दर्शकों की संख्या के रिकॉर्ड को पार कर लिया है, जिससे यह फिल्म प्रेमियों के लिए जरूर देखने लायक बन गई है। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो BTS के जुंगकुक ने हाल ही में अपने कुत्ते बाम को समर्पित एक इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया है, जिसका नाम चतुराई से बाम के पिता रखा गया है। अकाउंट ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और दुनिया भर के प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे बढ़कर जी IDLA ने अपना तीसरा संगीत शो पुरस्कार और SBS के इंकिगायो पर ट्रिपल क्राउन जीता, जिससे उनकी अटूट लोकप्रियता साबित हुई। संक्षेप में, चाहे वह सिनेमाघरों में कोरियाई फिल्मों की सफलता हो, अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों में के-पॉप समूहों का प्रभावशाली प्रदर्शन हो, या आगामी वापसी और सोशल मीडिया रुझानों के बारे में चर्चा हो, कोरियाई मनोरंजन उद्योग वैश्विक मंच पर चमक रहा है। ये हालिया घटनाएं कोरियाई संस्कृति की निरंतर विकसित और गतिशील दुनिया के लिए एक प्रमाण के रूप में काम करती हैं। यह स्पष्ट है कि चाहे आप के-पॉप प्रशंसक हों, के-ड्रामा उत्साही हों, या सिर्फ कोरियाई संस्कृति के प्रेमी हों, हल्यू की दुनिया में हमेशा कुछ रोमांचक घटित होता रहता है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और हल्यू लहर की सवारी करते रहें। Hey there. Remember to subscribe to XOXO Gossip Lips for more future videos, packed with entertainments, knowledge, and funs. Give this video a thumb up and please share it with your friends and families too. Our catchy background tunes was originally composed by Pierre Dematique. Please consider to subscribe to his channel as well. Thank you for watching. Cheers!